एवरीवन वेलकम टू एडवर्टाइज़। और ये वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ज़िब्रोनिक्स की तरफ से आया हुआ ये पावर बैंक। ये जो पावर बैंक है ये थोड़ा सा स्पेशल पावर बैंक है, जहां पे आप लोग इसके नीचे एक डिजिटल डिस्प्ले मिलता है। जी हाँ, एक डिजिटल डिस्प्ले वाला आपको जो वो पावर बैंक मिलता है, जहां पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो वो दिखाई जाती है। साथ में जो पावर बैंक, इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो 20,000 mAh का ये पावर बैंक है। ये टोटली फास्ट चार्ज सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही भारी पावर बैंक है। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 4,800 रुपये की इसकी जो वो प्राइसिंग है। ऑब्वियसली 20,000 mAh आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, काफी प्रीमियम डिजाइन है, तो प्राइसिंग भी आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। परचेस करना है तो लिंक आपको हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, आप वहां पे जाके इसको परचेस कर सकते हैं। मेरे पास दो है, ऑब्वियसली मैं यहां पे एक वाले का जो यहां पे गिव अवे करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। आपको यहां पे सिर्फ कमेंट करके बताना कि दूसरे पावर बैंक से आपको ये वाला पावर बैंक जो वो क्यों पसंद है। साथ में आपको यहां पे इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे और एक कमेंट करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे गिव अवे में एंटर करने के लिए। तो ज्यादा वेस्ट नहीं करते और यहां पे फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग जो वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें बॉक्स कुछ इस तरीके का मिलता है, काफी बड़ा सा आपको बॉक्स मिलता है इस तरीके से। और यहाँ पे एक प्लास्टिक के रैपर में आता है, इसको पहले हम इससे जो वो बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आप देखेंगे सामने की तरफ इसकी जो वो सारी स्पेसिफिकेशन जो वो मेंशन की गई है, और इस तरीके से ऋतिक रोशन इसको जो हाथ में होल्ड किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको सारी स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की जो वो मेंशन किए गए। आपको यहाँ पे टाइप सी इनपुट मिलता है और माइक्रो यूएसबी इनपुट। यहाँ पे आप इस पावर बैंक को जो अपने टाइप सी केबल से और नॉर्मल स्टैंडर्ड यूएसबी केबल से जो वो चार्ज कर सकते हैं। ये जो वो जो ये पावर बैंक है ये फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। और यहाँ पे इनपुट देखेंगे तो आपको 5W 2A और 9W 2A और 12W यहाँ पे जो वो सपोर्ट करता है। इस पावर बैंक को भी आप जो फास्ट चार्ज कर सकते हैं। आउटपुट देखेंगे इसके अंदर से तो आपको एक जो यूएसबी पोर्ट इसमें 5W 2.4A और दूसरा जो आउटपुट आप देखेंगे आपको 5W 2A और यहाँ पे 9W 2A, यानी कि आपको इसके अंदर जो वो फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। आपको 20,000 mAh का इसका जो पावर बैंक का जो कैपेसिटी मिलता है। और यहाँ पे LED डिस्प्ले, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पावर बैंक के अंदर आपको यहाँ पे एक डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, जिसके जरिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ये जो उसका मॉडल नंबर जो मेंशन किया गया है, आप इसको Amazon Flipkart से जाके परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको मैं नीचे की तरफ जो वो दे दिया हूं। पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको और यहाँ पे जो उसकी डिटेल्स मेंशन की गई, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे नेट वेट की, तो आप देखेंगे आपको 455 ग्राम का ये मिलता है। ये ऑलमोस्ट हाफ केजी का हो गया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाता है और ये चीज काफी मजबूत है, इसलिए आपको इस तरीके का मिलता है। तो यहाँ पे हम फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं। आप देखेंगे आपके सामने इस तरीके का छोटा सा मैग्नेटिक डोर, आप देखेंगे ये टक करके चिपक जाता है और यहाँ पे आप उठाएंगे तो आपका पावर बैंक आपको इस तरीके से दिख जाता है। तो यहाँ से हम उसको जो ऊपर की तरफ से बाहर निकाल लेते पहले। तो यहाँ पे हमने उसको जो वो बॉक्स के बाहर निकाल दिया है और आपको रिमेनिंग कंटेंट की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक यूजर मैनुअल मिलता है, ये बहुत ही छोटा सा है और अब ये आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिया है कि कौन से पोर्ट कैसे काम करते हैं, इसको कैसे यूज करना है, इसका आउटपुट, इसकी कैपेसिटी वगैरह, आपको सारी चीजें इसके अंदर जो वो मेंशन की गई है। और यहाँ पे आप लोग को एक नॉर्मल स्टैंडर्ड यूएसबी केबल मिलता है, इसका कोई यूज नहीं है, आप अपने नॉर्मल चार्जर से या यूएसबी टाइप सी वाले चार्जर से भी जो वो चार्ज कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे पावर बैंक की तरफ, तो आप देखेंगे आपको इस तरीके का मिलता है, काफी बड़ा सा है और ये थोड़ा सा हैवी है। ऑब्वियसली आपको मैंने बताया कि इसका ऑलमोस्ट हाफ केजी का इसका वजन है। साथ में आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक व्हाइट टेक्सचर के यहाँ पे जो डिजाइन दिया गया है, डिजाइन काफी अच्छी है और व्हाइट कलर इसका काफी जो वो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे सामने की तरफ नीचे की तरफ देखेंगे तो लिखा हुआ है ज़िब्रोनिक्स, और यहाँ पे राइट में देखेंगे तो आपको एक बटन मिलता है, ये पावर बटन है। आप इसको एक बार सिंगल प्रेस करते इस तरीके से आप देखेंगे आपके सामने एक डिस्प्ले आ जाता है। और यहाँ पे इस डिस्प्ले के अंदर आप लोग को जो वो सारी जानकारी जो वो दी जाती है, आपको बता देगा कि आपके पावर बैंक की चार्जिंग कितनी है और जब आप इसके अंदर कुछ भी चीजों को चार्ज करते तो ये कितना आउटपुट यहाँ से जो वो देता है। जी हाँ, आप देखेंगे बाजू की तरफ लिखा हुआ है 5W और यहाँ पे अगर आप इसके अंदर जो पावर बैंक को चार्ज करते तो ये कितने आउटपुट से उसको जो वो कितने इनपुट से उसको जो वो चार्ज लेता है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको इसके ऊपर जो वो दी गई है, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी बात है कि डिजिटल तरीके से एक छोटे से डिस्प्ले के तरीके से आपको सारी जानकारी यहाँ पे ये जो वो शो करता है, तो ये काफी अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ पे पोर्ट्स की बात करूं तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे 4 पोर्ट्स मिलते हैं, आपको एक आउटपुट 2 मिलता है, आउटपुट 1 मिलता है। इस दोनों के जरिए आप जो चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं, ये फास्ट चार्ज कर सकते हैं इससे। और यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक टाइप सी पोर्ट और आपको एक स्टैंडर्ड यूएसबी पोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे अब हम जो एक फोन को चार्ज करेंगे, मैंने इसको चार्ज किया था अपने Xiaomi के Mi Note 3 को, बराबर से इसने 4 मिनट के अंदर 4% चार्ज किया था और इसकी यहाँ पे बैटरी जो वो सिर्फ 1% ड्रेन हुई थी। जी हाँ, तो ये काफी अच्छा चल रहा है मेरे हिसाब से, 20,000 mAh की बैटरी जो काफी अच्छा यहाँ पे जो बैकअप दे रही है। और यहाँ पे अब देखते हैं हम यहाँ पे 55% भी चल रहा है, हम यहाँ पे हमारे Xiaomi के फोन को चार्ज करके देख लेते हैं कि इसमें कितना जो वो दम है। तो यहाँ पे मैं जो मेरे Xiaomi के Mi Note 3 को लगा दिया उस तरीके से, ये टाइप सी पोर्ट वाला जो फोन है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये हो रहा है 55 पे और इसने जो इसका आउटपुट भी बता रहा है कि कितने आउटपुट पे ये ले रहा है यहाँ पे आप देखेंगे, और ये आउटपुट यहाँ पे 5W लिखा हुआ है। और मैंने
हैंड अपने Xiaomi के फोन में लगा दो इस तरीके से। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लगभग से जो बैटरी यहाँ पे दिखा रही है वो 48% पे है, और अब देखते हैं 7:25 है कितना जल्दी इसको यहाँ पे जो वो चार्ज करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने जो 7:24 या 7:25 के आसपास लगाया था और इसने लगभग से जो 43% इसको चार्ज कर दिया 5 मिनट में, और यहाँ पे ये जो था लगभग से 55 पे था तो ये जो हो गया है 53 पे। जी हाँ, तो कुछ इस तरीके का इसका पावर है और काफी अच्छा और काफी फास्ट चार्ज इसने जो उसको करके दे दिया है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने फोन्स वगैरह को आसानी से या किसी भी गैजेट्स को जो वो फास्ट चार्ज जो वो कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको ये परचेस करना तो ये भी आप जाके परचेस कर सकते हैं। गिव अवे में एंटर करना है तो आपको सारी की सारी शर्तें पता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।